कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं रोक सकता है। फिर भले ही आपके साथ कुछ बुरा होना लिखा हो या फिर आपकी किस्मत खुलनी हो, टाइम लग सकता है लेकिन वक्त आने पर आपको वो हासिल होता ही है। और ऐसा ही कुछ हुआ था बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ। सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन इनिशियल अपने करियर में एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अमिताभ बच्चन को कोई भी फिल्में तब ऑफर होती थी जब इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स उसे रिजेक्ट कर चुके होते थे। और ऐसे ही अगर बात करें फिल्म जंजीर की, जिसने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का सुपरस्टार बनाया, ये फिल्म अमिताभ को मिलने से पहले दिलीप कुमार, देवानंद, राजकुमार, इनफैक्ट धर्मेंद्र भी इस फिल्म को करने वाले थे, लेकिन फाइनली ये फिल्म मिली अमिताभ बच्चन को ही। जहां सभी स्टार्स के अपने अलग अलग रीजंस थे इस फिल्म को नहीं करने के लिए, वहीं धर्मेंद्र को एक कसम ने रोक दिया इस फिल्म को करने से। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कब धर्मेंद्र जंजीर फिल्म करने वाले थे, क्यों धर्मेंद्र को ये फिल्म नहीं करने की कसम खानी पड़ी और कैसे इस बात से आज तक धर्मेंद्र को रिग्रेट है। धर्मेंद्र ने ईयर 72 में एक फिल्म की थी समाधि। इस फिल्म को प्रकाश मेहरा ही बना रहे थे और जिस वक्त प्रकाश मेहरा समाधि बना रहे थे तभी प्रकाश मेहरा एक और स्टोरी पर काम कर रहे थे जो स्टोरी सलीम जावेद ने लिखी थी। और ये कहानी प्रकाश मेहरा ने समाधि की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र को सुनाई थी। धर्मेंद्र को कहानी जबरदस्त लगी और फिल्म का स्केड्यूल भी समाधि के तुरंत बाद शुरू होने वाला था। ऐसे में धर्मेंद्र को इस फिल्म को लेकर इतनी एक्साइटमेंट थी कि उन्होंने इस फिल्म के राइट्स तक खरीद लिए सलीम जावेद से। 17,500 वो इस फिल्म में ऑलरेडी दे चुके थे और बिल्कुल क्लियर था कि समाधि फिल्म के बाद प्रकाश मेहरा के साथ धर्मेंद्र जो है इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। जैसे ही इंडस्ट्री में ये पूरी खबर फैली, जैसे ही धर्मेंद्र ने अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में अपनी फैमिली में बताया, तभी धर्मेंद्र को उनके एक फैमिली मेंबर ने इस फिल्म को नहीं करने की कसम दिलवा दी। ये फैमिली मेंबर थी धर्मेंद्र की एक कजिन जो कि धर्मेंद्र के साथ क्रोध जैसी फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी है। इस कजिन ने धर्मेंद्र को प्रकाश मेहरा के साथ काम करने के लिए मना कर दिया और तो और कसम दिलवा दी कि अगर ये फिल्म तुमने की तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। कजन को प्रकाश मेहरा से ऐसी क्या प्रॉब्लम थी? जब धर्मेंद्र को ये फिल्म इतनी पसंद आई, फिर भी कजन ने धर्मेंद्र को इतनी बड़ी फिल्म करने से क्यों रोका? इसके पीछे का कारण भी धर्मेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी कजन ने प्रकाश मेहरा को एक फिल्म ऑफर की थी डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन तब प्रकाश मेहरा जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। यही कारण है कि उस कजिन ने प्रकाश मेहरा पर जो गुस्सा था पहले वाला, वो धर्मेंद्र के थ्रू निकलवाया जंजीर फिल्म नहीं करवा के। और अपनी उस कजिन की दी हुई कसम को ही फॉलो करते हुए धर्मेंद्र ने प्रकाश मेहरा के साथ ये फिल्म नहीं की। बाद में इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन, जिन्हें इंडस्ट्री में लंबू या ये हीरो नहीं बन सकता ये कहकर बुलाया जा रहा था, उनको दी अमिताभ बच्चन बना दिया। और यहाँ से एज एन एक्टर, एज एन स्टार, अमिताभ को इंडस्ट्री से रिस्पेक्ट मिलने लगा। और जहाँ तक बात है धर्मपाजी की, तो वो फिल्मों के तो सुपरस्टार हैं ही, लेकिन दिल के भी सुपरस्टार है। ये जो बातें हैं ये प्रूव करती है कि धर्मपाजी अपनी फैमिली के लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि ये इंडस्ट्री बहुत प्रैक्टिकल है, वहीं धर्मपाजी जैसे लोग इस इंडस्ट्री के लिए एग्जाम्पल है कि यहाँ पर रहते हुए भी वो दिल के राजा हैं। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।